हम लोग स्वर्गीय रामाधार बाबू की पुण्यतिथि मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों ने जो सुना, देखा, साथ में उनके काम किए, उन बातों को यहां हमने रखा। हम इसलिए रखते हैं, इसलिए चर्चा करते हैं कि जो उन्होंने अच्छी काम किया उसे हम भी आज करें। भाई पत्रकार महोदय ने भी कहा कि कैसा यह बेरमो रहा है, किस प्रकार यहाँ के ट्रेड यूनियन के नेता लोग काम करते थे, बहुत विस्तार से चर्चा उन्होंने भी किया है। मैं भी देखा हूं, मैं बेरमो में 72 में आया था, 74 जयप्रकाश जी के आंदोलन में भाग लिया और मैं इस क्षेत्र के और इस राज्य के और राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे। दुबे जी के यूनियन ऑफिस के बगल में ही मैं प्रैक्टिस करता था, मैं बड़े नजदीक से उनको भी देखा। हमें मौका मिला, हम रामदास बाबू के साथ छाया की तरह रहकर काम किया, उनको भी देखा, सफी खान साहब को भी देखा। और चूंकि इस क्षेत्र में कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ और सबसे सक्रिय रामाधार बाबू थे और हम लोग विपक्ष में थे, तो हम लोग इनसे भी संघर्ष करते थे, ये भी हम लोग से संघर्ष करते थे। एक काम करने का तरीका था। ठीक कहा पूर्वक्ताओं ने, आज हम लोग टेबल की राजनीति कर रहे हैं, टेबल की यूनियन कर रहे हैं, क्षेत्र में कहीं नहीं जाते। मैं बेरमो में रहता था, रामाधार बाबू को देखता था कि 6 बजे सुबह तैयार होकर दरवाजे पर खड़े हैं, गाड़ी खड़ी है, लेकिन 6 बजे कौन तैयार होता है आज के ट्रेड यूनियन के नेता चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता, जो 6 बजे निकलकर मजदूरों से ड्यूटी पर मिलना, अड़खा पर मिलना, खदान के साइड पर जाकर के मजदूरों से मिलना, यह क्या हम लोग करते हैं? आज हम सब लोग सुविधा की राजनीति कर रहे हैं, हम सब लोग सुविधा के ट्रेड यूनियन का काम कर रहे हैं। ठीक पूर्ववक्ताओं ने कहा कि हमारी आज की कार्यशैली कैसी है। कभी इसी बोकारो कोलियरी में लोग कहते हैं कि 11,000 मजदूर काम करते हैं, 7,000 मजदूर करगली में काम करते थे, आज क्या स्थिति है कि पूरे बेरमो कोयलांचल तीनों एरिया को मिला लिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि 4 से 5 हजार मजदूर होंगे। क्या हो गया इस बेरमो को, कोयला खत्म हो गई क्या? आज भी कोयला अकूत भंडार है इस बेरमो कोयलांचल में, चाहे वो डोरी का क्षेत्र हो, चाहे बीएनके का क्षेत्र हो या कथारा का क्षेत्र हो। हम आज सुविधा की बात करते हैं, लेकिन कभी हम लोग आपस में बैठकर, चाहे वो विपक्ष के हो चाहे पक्ष के हो, कभी हम लोगों ने बैठकर बेरमो की विकास पर बात किया क्या? कभी भी आपस में बैठकर यह चर्चा किया क्या कि कैसे बेरमो का विकास होगा, कैसे यहां की कोलियरियों का विस्तार होगा? इस पर कभी चर्चा नहीं हो रही है, केवल हम लोग बात लंबी लंबी करते हैं। मैं तो सभी लोगों से आग्रह करूंगा
कि एक मंच पर एक रूम में बैठकर आप इतना तो विचार करिए कि यहाँ के कोयला खदान का विकास कैसे हो, कैसे यहाँ का बेरोजगारों का रोजगार दूर होगा, इस पर तो विचार करिए। अगर मजदूर नहीं रहेंगे, काम करने वाले लोग नहीं रहेंगे, तो हम ट्रेड यूनियन कहाँ चलाएंगे, राजनीति कहाँ करेंगे, यह भी एक सवाल हो जाएगा। इसलिए मैं अपने बहुत सारे हमारे सीनियर नेता लोग बैठे हैं, नौजवान नेता भी हैं, नौजवान ट्रेड यूनियन के लोग भी हैं, मैं सबों से आग्रह एक बार करता हूं कि आप वापस आपस में बैठकर जरूर विचार करिए और उस विचार को ऊपर तक ले जाने का प्रयास करिए कि बैरमो का विकास हो, तभी हम सबों का सम्मान और मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।